तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप वैलोरेंट गेम को अपने पीसी में कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इन पाकिस्तान उसको कैसे चला सकते हो। मतलब कि कुछ सर्वर इश्यूज़ वगैरह आ रहे थे तो वो आई थिंक अभी फिक्स हो चुके हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि वैलोरेंट आ चुकी है, जो कि एक CS:GO टाइप गेम है, चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ किस टाइप की गेम है। तो बेसिकली ये एक CS:GO और ओवरवॉच का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मोस्टली गेम प्ले CS:GO की तरह है। मतलब कि बॉम्ब डिफ्यूज़ करने हैं या स्क्वाड एलिमिनेट करने हैं दोनों तरफ से, जिसका हो गया वो विन करके। और कुछ ओवरवॉच जैसी पावर्स वगैरह हैं, स्किल्स जैसी, आई डोंट नो, बट ऐसी हैं कुछ चीज़ें। मैंने एक दो गेम एक गेम लगाई है सिर्फ। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इसको अपने PC में डाउनलोड कर सकते हो। वेरी ईजी, मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू लाइक इट, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट इधर जाना है, अपने ब्राउज़र पे चले जाना है, ठीक है। सर्च कर लेना है वैलोरेंट, ठीक है। और सॉरी आ गया, ओके ओके, आपने वैलोरेंट जस्ट सर्च कर लेना, ठीक है। पहले लिंक पर क्लिक कर लेना, सही है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए इसकी, रियॉट गेम्स का, जो इसके डेवलपर्स हैं, ठीक है, रायट या रियॉट जो भी है, ठीक है। प्ले नाउ पर क्लिक कर देना है। इधर ये बोलेगा आपके पास अगर पहले से अकाउंट है, अगर लीग ऑफ लेजेंड्स वगैरह का अकाउंट पड़ा है तो वो उससे आप इधर साइन इन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप इधर से एक नया अकाउंट बना सकते हैं लाइक मी। तो इधर मैं मेक वन पर क्लिक करता हूँ, ओके। मेरी पीछे डाउनलोड चल रही है, कुछ देर के लिए पॉज कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो अकाउंट क्रिएशन मेन्यू पे आ गया ये, ठीक है। बस इधर आपने क्या करना है, इधर अपना ईमेल दे देना है जिससे आप बनाना चाहते हैं अकाउंट। लाइक मैं अपना दे रहा हूँ अकाउंट की ईमेल एड्रेस, ठीक है, ओके। ये आप टिक कर सकते हैं, अगर आपको न्यूज़ वगैरह चाहिए तो नेक्स्ट कर देंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें, लाइक -01003। यूज़र नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका अवेलेबल होगा कोई भी, लाइक मैं इधर करता हूँ अहमद प्लेज YT, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। पासवर्ड इधर से आप कोई भी रख सकते हैं, लाइक मैं अपना रख लेता हूँ, आपको ज़रूर दिखाना, ठीक है। तो कुछ देर के लिए मैं स्क्रीन ज़रा ब्लैक कर देता हूँ, ओके ओके, हो रही है, डन हो गया। नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ वो जो कैप्चा शैप्चा आता है, जो पता नहीं क्या चल रही है ये वैसे, तो इसको आपने वेरीफाई कर लेना है और बस शायद आपका काम ख़त्म हो गया है। यूनिक होना चाहिए यूज़र नेम बोल रहे हैं। इधर YT वगैरह हटा के हम कुछ और लिख देते हैं, लाइक 543, नाइस आई थिंक, ठीक है ये, ओके। तो यस आई थिंक हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपना अकाउंट एक दफ़ा, लाइक मैं इधर जाता हूँ, आई डोंट थिंक आपको अकाउंट वेरीफाई करने की ज़रूरत है, बस ठीक है आपका अकाउंट बन गया। इधर से आप डाउनलोड पर क्लिक कर दें और आपका जो ये लॉन्चर है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर से आपकी गेम ताकि डाउनलोड हो जाए। उसके बाद जब आपकी गेम ये लॉन्चर डाउनलोड हो जाए तो आपने डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है, -0, ओके। तो यहाँ पे जाके ये वाला लॉन्चर आपका डाउनलोड हो जाएगा, तो आपने इसको ओपन कर लेना, मेरा PC काफ़ी स्लो हो गया बिकॉज 2-3 महीने हो गए, 3 से 4 महीने हो गए विंडो की हो गए, और वैसे भी हार्ड डिस्क स्लोड है, डाउन है, ओके। तो ये कोई 7.3 GB की नहीं है, मैं भी पहले 7.3 GB की से समझ रहा था, इसलिए मैंने रात को डाउनलोड नहीं की जब लॉन्च हुई, और अभी आज डाउनलोड किया सुबह सुबह अभी अभी,
एक पेंस लगाया था जो फारिक था, इतना कुछ खास नहीं था। उसके बाद आपने यहाँ से एडवांस ऑप्शन में जाके अपनी डायरेक्टरी चूज़ कर लेनी है जहाँ आपने इंस्टॉल करनी है अपनी गेम। तो मैंने वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, आपको जस्ट बता रहा हूँ। आपने इधर डायरेक्टरी चूज़ करके इंस्टॉल पर क्लिक कर देना। अगर आप नहीं करेंगे तो वो सीधा सी या किसी और ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी। तो यस, ये थी। उसके बाद आपने जब डाउनलोड हो जाए तो अपना लॉन्चर वगैरह ओपन कर लेना, जिधर पड़ी होगी आपकी गेम। ओके, आपके डेस्कटॉप पे गेम आ जाएगी, जैसे बस रिवॉर्ड गेम्स पे। ओके, इस पर क्लिक होगा बस, ठीक है, गेम आपकी चल जाएगी। अभी चलाते हैं थोड़ी सी। और गाइज, आज एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि GTA रोल प्ले आप कैसे खेल सकते हैं एपिक गेम्स लॉन्चर से, जो फ्री में मिली थी GTA 5, उसके साथ जो कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनानी है आज, तो काफ़ी इजी है। वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे प्ले करते हैं। बस ये स्टार्ट हो गई है। ओके, आई थिंक गेम स्टार्ट होगी देर को। ट्रांसफॉर्म कर लो इसको, स्केच। ओके, तो गेम स्टार्ट हो चुकी है। यू कैन सी के मैंने ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर ली। आपको जब फर्स्ट टाइम खेलेंगे तो ट्रेनिंग वगैरह शो होगी, जो वहाँ से आप थोड़ी देर के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप अपनी गेम प्ले कर सकते हैं इन अ वेरी इजी वे। और इसको खेलने के लिए आपको कोई इतना हाई एंड पीसी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक कोटोडो चाहिए से, ठीक है, एक 1 GB 512 MB इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी होंगे तो उसमें भी ये बहुत ईजीली चल जाएगी 30 FPS में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है उस पर, क्योंकि ग्राफिक कार्ड जब तक नहीं होता कोई ग्राफिक्स प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती। क्या मेरे 100 FPS आते हैं अगर मैं इस सेटिंग पे खेलूँ, मतलब कि ये मेरी स्क्रीन की सेटिंग है जो मेरा खुद का मॉनिटर 1024x3 वाला 5x4 वाला रेशियो है मेरे स्क्रीन पे, इसलिए वो स्क्वेयर टाइप आती है। तो अगर आपने खेलनी है इस कोटो डू या कोटो क्वाड वगैरह पे, जो कि मेरे उस पहले था कोटो क्वाड, तो आपने ये सारी चीज़ें लो पे सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और वी सी तो हमेशा ही ऑफ रखा करें। उसके बाद ये MX से ये भी 1% इम्प्रूव क्लैरिटी, जो भी है डिस्टॉर्शन, ठीक है, ये सारा कुछ ऑफ कर लेना है तो आपकी गेम गो टू डू पे भी वर्क करेगी। कई लोगों के पास है, मेरे दोस्तों के पास भी गो टू डू, तो मेरे पास भी था गो टू क्वाड और गो टू डू भी, लेकिन ये चल जाएगी आपकी PC में, ठीक है, वेरी इजीली। और ये देखें, अभी मैंने फुल लो सेटिंग की है तो मेरे पास 150 FPS आ रहा है, सही है। तो इसी तरह आप इसको प्ले कर सकते हैं। यही था इस वीडियो में। अगर कोई ट्रेनिंग मोड पड़ा हो, ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ ज़रा, कितने FPS मेरे दी रेंज में आ गए हम। इसका म्यूज़िक बड़ा ज़बरदस्त है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, मस्ट, क्योंकि आज वीडियो आने वाली है रोल प्ले वाली, और एक और है वीडियो आने वाली, अगर आप बोलते हो तो मैं अपलोड करूँगा, जो कि है उस पे GTA ऑनलाइन में अनलिमिटेड मनी कैसे ले सकते हैं। और इसके लिए एक और मैं आपको बात बता दूँ, मैं गिव अवे करने जा रहा हूँ 10 मिलियन GTA 5 डाउनलोड का, ठीक है, और वो 10 बंदों को मिलेगा, ठीक है। तो जो आपके एपिक गेम्स वाला अकाउंट है, अगर आप लेना चाहते हैं
आप मुझे डिस्कॉर्ड पे डीएम कर सकते हैं, उसकी अनाउंसमेंट मैं जल्दी करूँगा किस दिन गिवअवे होगा, ठीक है। जो जो लोग लेना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना होगा, मस्ट ये चीज़ मस्ट है, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे क्योंकि अनाउंसमेंट होगी और आई थिंक मैं आज वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगा कि कैसे आपने उस गिवअवे में एंटर करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कितने एफ पी आ रहे हैं, 150, 160,